माई स्किन केयर इज इन प्लेस, लेकिन ये मौका आप सबको बता, हमने हर चीज शेयर की है, ब्राइडल स्किन केयर कैसा होना चाहिए एंड LHR के बारे में डिटेल, नॉर्मल स्किन केयर में आपको क्या क्या करना चाहिए. तो अब ये आई एम श्योर एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेडीज खुद थकती हैं, ऊपर नीचे होती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो कई बार हम स्किन पे ध्यान नहीं देते. सो आप प्लीज़ जल्दी से क्विकली बताइए कि घर पे रह के क्या किया जा सकता है, यहाँ पे आके क्या ट्रीटमेंट्स की जा सकती हैं एंड क्या ट्रीटमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्योंकि ऑब्वियसली द बेबी इज इनसाइड यू, सो देर आर टू मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू अवॉइड एंड देर आर टू मेनी मिथ्स ऑल्सो. सो प्लीज. थैंक यू दीपिका, बिल्कुल सही बोला आपने कि प्रेगनेंसी से जुड़े हुए बहुत सारे मिथ्स भी हैं. करेक्ट. लेकिन बहुत सारी ऐसी नॉलेज भी कम है. लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के बिगनिंग में अपनी स्किन केयर स्टार्ट करें तो कुछ बेसिक प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए. सबसे पहले आपको एक माइल्ड क्लेंजर यूज करना है. सोप अवॉइड कीजिए इस वक्त. माइल्ड क्लेंजर यू कैन यूज एटलीस्ट टू टाइम्स अ डे टू क्लेंज योर फेस. उसके बाद टोनर डिपेंड करता है, कभी कभी अगर आपकी बहुत एक्ने प्रोन स्किन है, ऑयली स्किन है तो आप टोनर यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है और अगर आपको थायराइड भी है तो आप टोनर अवॉइड कीजिए. सो दीपिका कक्कड़ जो कि जल्द ही अपने बेबी को करने वाली हैं डिलीवर, वहीं पर उनका थर्ड ट्राइमेस्टर भी हो चुका है स्टार्ट. इस वीडियो में दीपिका ने अपने थर्ड ट्राइमेस्टर का स्किन केयर रूटीन अपने फैंस के साथ शेयर किया है. आप भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको दीपिका का ये थर्ड ट्राइमेस्टर स्किन केयर रूटीन कैसा लगा.